वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शरल और मैं आज सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बेहतरीन हेयर मास्क जो मैंने आज अपने बालों में ट्राई किया है और वो हो गया लाइक गुड हेयर डे होता ना, सो आज मेरा गुड हेयर डे ही है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है उसके बाद से जब से मैंने वो हेयर मास्क लगाया। तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ जब मैं अप्लाई कर ही रही हूँ और पहले भी मैं अप्लाई करती हूँ। सो आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, घर में बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं सबके। सो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं 2 राइप बनानाज ले रही हूँ, यू कैन सी अच्छे से पके हुए हैं क्योंकि पके हुए बनाने तो वैसे ही आपके घर में वेस्ट हो जाते हैं, कोई खाता तो है नहीं, तो आप उससे अपना हेड मास्क बना सकते हो। सो यहाँ पे मैं इसको जो इसका छिलका उतार रही हूँ दोनों का, एंड आपको पता है बनाने में कितना प्रोटीन होता है, आपके बाल इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं एंड हेयर फॉल कम होता है। सो आप इसको ऐड कर लीजिए अपने ब्लेंडर जार में, डायरेक्ट मैं उसी में बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया है कर्ड, 1/2 कटोरी कर्ड है ये, और डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और थर्डली मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी, तो 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे हनी ऐड करूँगी। हनी से आपके बाल जो हैं बहुत एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हनी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल है, मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे ऑलिव ऑयल फिगारो का, ये आपके बालों को बहुत अच्छी शाइन देगा, आपकी जड़ों को स्ट्रांग बनाएगा। सो मैं इसको ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो नहीं भी कीजिए। बाकी एक ऐड फ़ायदा ये भी है इसको ऐड करने का, तो जो बनाना है आपके बालों से बहुत इजीली निकल जाता है। नेक्स्ट इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, मेरे को ब्लेंड अच्छे से करना पसंद है क्योंकि जब बनाना आपके बालों में चिपक जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है, वो निकलता ही नहीं है। सो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, यू कैन सी। और मैं इसके बाद इसको छानूंगी, तो मैं एक स्ट्रेनर ले रही हूँ और उसके नीचे बाउल रखूँगी और ईजीली मैं जो है अपने पूरे के पूरे मिक्सचर को इसमें स्ट्रेन कर दूंगी। नाउ यू कैन सी गाइज कि जो पूरा बनाना का पल्प था वो अलग हो चुका है अच्छे से। अब हम इसको निकाल के साइड कर देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं अपने बालों में इसको अप्लाई करने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने हेयर्स के सेक्शन कर रही हूँ और आपको ऐसे ही अप्लाई करना है, तभी अच्छे से पूरे बालों में लग पाएगा। एंड यू कैन सी मैंने अपने हेयर्स कैसे डिवाइड किया है, तो सबसे पहले जड़ों में लगा रही हूँ, मैं रूट्स पर लगा रही हूँ। देन आपको अपना रूट्स टू टिप आपको अच्छे से कवर करना है, एंड आप देखिए डायरेक्शन कैसे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, ऐसे ही पूरे के पूरे बालों में मैं इसको लगा लूँगी। और आपको इसको लगाने के बाद कम से कम 25-30 मिनट्स आपको इसको छोड़ना है। और ये देखिए मैं मसाज भी कर रही हूँ अपने हेड पे ताकि जो अच्छे से उसकी गुडनेस है मेरे रूट्स में चले जाएँ, और उसके बाद मैं अपने बालों को बांध दूँगी। और जैसे मैंने बोला 25-30 मिनट्स मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। इफ़ यू हैव शावर कैप आप वो लगा लीजिए, मैंने इसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। और जो थोड़ा सा मिक्सचर मेरे बोल में बच रहा था उससे मैं अपना फेस मसाज कर रही हूँ। आपके हेयर्स के साथ साथ जो है आपका फेस भी जो है ग्लो करेगा, एंड आपका जैसे हेयर्स में शाइन आएगी वैसे ही आपके फेस पे इससे ग्लो आ जाएगा। ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अच्छा है स्किन के लिए। सो इससे मैंने जो भी मिक्सचर बचा था उससे मैंने अपना फेस जो है अच्छे से मसाज कर लिया। सो गाइज यू कैन सी मैं हेड वॉश कर चुकी हूँ आफ्टर 30 मिनट्स, एंड अच्छे लग रहे हैं मुझे बाल, थोड़े से सॉफ्ट वाली फीलिंग आ रही है। एंड आज मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया है क्योंकि देखना था रिजल्ट इसका कि कैसा आता है, सो इसलिए। एंड वन मोर थिंग, बाकी इसका जो प्रॉपर हमें रिजल्ट है वो ड्राई होने के बाद पता चलेगा। सो इसको ड्राई होने देती हूँ मैं एयर ड्राई, तो कोई भी मैं इसमें हीट प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने वाली सुखाने के लिए कि ड्रायर यूज़ करूँगी, नहीं। सो इसको ड्राई होने देती हूँ मैं अपने आप ही, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। जो मेरे बाल हैं वो सूख चुके हैं और मैं आपको एक बार खोल के दिखाती हूँ कि कैसा इफेक्ट आया है बालों में मास्क लगाने के बाद। एंड यू कैन सी थोड़े से शाइनी लग रहे हैं, थोड़े से क्या काफ़ी शाइनी लग रहा है एक्चुअली। और अगर आपको पता होगा तो कि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था बहुत टाइम से, बट मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा असर मेरे बालों पे दिखेगा। अभी मैंने कॉम नहीं कर रखा ठीक से, एंड या सो गाइज यू कैन सी कि मेरे बालों में वॉल्यूम आई है, मेरे बाल वॉल्यूमाइज हो गए हैं पहले से ज़्यादा, पहले इतने नहीं थे। एंड अभी मैंने बाल कटवाए भी थे उसके बाद भी, क्योंकि मैं एक बार बाल कटवा चुकी हूँ रिसेंट ही, कुछ दिन हुए हैं, एक हफ्ता हुआ होगा हार्डली, और उसके बाद भी इतने अच्छा वॉल्यूम मेरे बालों में आ रहा है। एंड पहले तो खैर इससे भी अच्छा वॉल्यूम आता था, बट मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है कुछ महीनों से, बहुत ज़्यादा, बट आई होप अब नहीं होगा, मैं ध्यान रख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है गाइज, एंड शाइनियर दिख रहे हैं, सॉफ्ट दिख रहे हैं, इजी टू मैनेज है। मैं ऐसे आराम से मतलब अपने बालों में
जो है हाथ डाल पा रही हूँ, लेकिन पहले मैं अपने बालों में ऐसे हाथ नहीं डाल पा रही थी, बहुत ज़्यादा रफ और फ्रीजी हो रहे थे मेरे हेयर्स, एंड कटवाने से भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। और हमें अपने बाल जो है टाइम टू टाइम कटवाने चाहिए, स्प्लिट एंड्स नहीं होने देने चाहिए बेसिकली, उनसे भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं क्योंकि उसमें कॉम्ब सही से नहीं हो पाता है जब आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं तब। सो यार यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।